हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम रिएक्शन करने वाले हैं द जर्नी ऑफ सोल एक्सप्लेन इन इस्लाम। मतलब सिंपल सी बात है, या तो इसमें मेरे हिसाब से कुरान जो आपकी बुक है, इस्लाम की बुक है, वो उसके हिसाब से बताएंगे, या इस्लाम में मतलब मुस्लिम धर्म में सोल की जर्नी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है वो इस वीडियो में है। 10 मिनट की वीडियो है ये, और ये एक तरह से बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि हमें ये पता है, मतलब हमारा अलग होता है कि कैसे है क्या है मरने के बाद ये ज़िंदगी, और इस्लाम में बिल्कुल ही डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा, वैसे सेम सी बात होगी। बट हम इसको देखना चाहते हैं कि जो जर्नी ऑफ सोल, मरने के बाद जो आत्मा शरीर से निकलती है उसकी जर्नी क्या होती है, उसके आगे वो कहाँ जाती है, क्या होता है, तो इस्लाम में क्या बताया गया है इसके बारे में, इसके ऊपर ये वीडियो है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत ही रोचक थोड़ा सा टाइटल है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ये। तो बाकी फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हंसी टीवी, ओके। दुनिया में चाहे आपका ताल्लुक किसी भी रंग, नस्ल, कबीले और मज़हब से क्यों ना हो, पर एक चीज़ ऐसी है जिस पर दुनिया के हर शख्स का यकीन है, और वो है मौत। एक ऐसी हकीकत जिसे इनकार और फरार मुमकिन नहीं। फिर चाहे इंसान टेक्नोलॉजी में तरक्की करके जितना भी एडवांस हो जाए, चाहे कायनात से जुड़े राजों को समझने में कामयाब हो जाए, या दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक ही क्यों ना बन जाए, मौत को कभी भी शिकफ नहीं दे सकता, क्योंकि ये इंसान की तकदीर इसके पैदा होने से पहले ही बन चुकी है कि इसे मर कर एक रोज अपने रब के हजूर पेश होना है, जिसके लिए अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। क्या आपने कभी गौर किया कि यहाँ पर लफ्ज़ जायका का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इसके अंदर क्या हिकमत है? इसके बजाय हर जीरो को मौत आनी है, ये अल्फाज भी तो इस्तेमाल किए जा सकते थे। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। साइंस के मुताबिक हर शख्स के चखने की हिस बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और अगर किसी शख्स को किसी चीज़ का जायका पसंद नहीं तो वो इसे बुरा ही लगेगा, और ये जायका डिपेंड करता है इस बात पर कि ये चीज़ किन अजा से मिलकर बनी है। इसीलिए हर शख्स की मौत का जायका इसके अमाल के मुताबिक ही होगा। नेक और अच्छे अमाल का जायका ऐसा होगा कि इसे मौत के अंदर भी राहत और सुकून मिलेगा, जैसे अपनी पसंद की चीज़ को खाकर मिलता है, जबकि इसका उल्ट बदतरीन अमाल पर मौत का जायका इतना ही कड़वा, बुरा और दर्दनाक होगा। इसलिए मौत का बुरा जायका चखने वाले लोग नौ किस्म की ख्वाहिशें करेंगे, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर भी जिक्र किया, क्योंकि कुरान क़यामत तक के इंसानों के लिए राय हिदायत है, इसलिए कि चाहे वक्त के साथ इंसान अपने रहन सहन, अच्छा खाना पीना और लंबी उम्र अपने अजदाद के मुकाबले में बेशक हासिल कर ले, लेकिन इंसानी फितरत दुनिया के पहले इंसान के अंदर भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे क़यामत तक के इंसानों में होगी। इंसान मरकर जब अपने सामने आखिरत और हिसाब किताब को सच पाएगा तो कहेगा कि ऐ काश मैं मट्टी होता, यानी मेरा वजूद ही ना होता, और मैं मरकर इसी मट्टी के अंदर शामिल हो गया होता, ताकि मुझे ये हिसाब तो ना देना पड़ता और ना ही हमेशा का ये अजाब सहना पड़ता। फिर कहेगा कि ऐ काश मैंने अपनी आखिरी जिंदगी के लिए कुछ किया होता, यानी सारी उम्र भी पैसे, कोठी, बंगले, बैंक बैलेंस कमाने की बजाय जिंदगी के मकसद को समझा होता और आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। फिर कहेगा कि ऐ काश मुझे मेरा नाम या माल ना दिया जाता, ऐ काश मैं फलां को दोस्त ना बनाता। यहाँ दोस्त का मतलब शैतान को और ऐसे गुमराह और भटके हुए लोगों की पैरवी करना है जिन्होंने इसका ईमान बर्बाद करके आज इसे इस हाल के अंदर पहुँचा दिया, कब्रों पर और बुतों पर सजदा करवा कर और जिंदगी की लंबी उम्मीदें दिलवा कर कि अभी तो तौबा करने के लिए बहुत वक्त है, पर ऐ काश के मैंने अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को पहचान कर इनसे दूरी इख्तियार की होती। ऐ काश मैं रसूलुल्लाह का रास्ता अपना लेता, यानी दीन इस्लाम के नाम पर लोगों ने मुझे जिस फिरकों और बिदत के अंदर डालकर गुमराह किए रखा, काश मैं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपना कर सिर्फ मुसलमान ही रहता, क्योंकि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा के अंदर फरमाया था कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे अंदर अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, और जो कोई भी इसे मजबूती से थामे रखेगा कभी भी गुमराह नहीं होगा। दीन में नई नई बिदात से बचना, यानी खुद से दीन के अंदर अपनी मर्जी की चीज़ों को शामिल ना कर लेना। जान लो कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। फिर कहेगा कि काश मैं भी नेक लोगों के साथ शामिल होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। ऐ काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता, क्योंकि अब इसे एहसास होगा कि जिस दुनियावी रब के सामने वो पूरी जिंदगी सजदा करता रहा, आज इसकी मदद के लिए कहीं पर मौजूद नहीं है। फिर कहेगा कि ऐ काश कोई ऐसी सूरत हो कि हम दुनिया के अंदर फिर से वापस भेजे जाएँ और अपने रब की निशानियों को ना जुटलाएं और ईमान लाने वाले लोगों में शामिल हों। इस रोज इंसान की बेबसी और शर्मिंदगी का तस्वुर करें कि अब वो चाहे जो भी कर ले, हमेशा का अजाब इसका मुकद्दर है, वो कभी भी दुनिया में वापस नहीं जा सकेगा। जैसा कि हिंदू और दुनिया के दूसरे मजाहब का मानना है कि इंसान मरने के बाद भी 7 जन्म लेता है, अगर इंसान नेक हो तो हर बार इंसान की सूरत में, और अगर बुरा हो तो सजा के तौर पर किसी भी जानवर या कीड़े मकोड़े की सूरत में, यहाँ तक कि वो अमर हो जाता है। आपकी ये जिंदगी इन गुनाहगार लोगों की ख्वाहिश है कि काश एक बार हम दुनिया में वापस चले जाएँ तो दोबारा कभी सजदे से सर ही ना उठाएं।
इसीलिए अपनी जिंदगी और एक एक सांस को अल्लाह ताला की नेमत जानकर अल्लाह के बंदे बन जाएं और इन लोगों में शामिल ना हों जो कि जहन्नुम में जब जा रहे हों तो जहन्नुम के फरिश्ते इनसे सवाल करें कि ऐ बदबख्तो, जहन्नुम तक ही पहुंच गए हो, क्या तुम में कोई रसूल नहीं आया था तुम्हें इस दिन से डराने के लिए और इस अजाब की खबर देने? तो वो कहेंगे कि हाँ अफसोस, आया तो था पर हमने अपनी दुनिया परस्ती, मफाद परस्ती और ना अहली की वजह से इसे जुटला दिया। इंसान की ये फितरत में शामिल है कि वो अपने वजूद की मौजूदगी और मरने के बाद इसके साथ क्या होने वाला है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमेशा बेकरार रहता है, क्योंकि मरने से पहले तक कोई भी इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि आखिरत यानी मौत के बाद हमेशा की जिंदगी और आलम बरज़ख का भी वजूद है। इंसान जब भी इस दुनिया से चला जाता है या इसे मौत आ जाती है तो इसका मादी जिस्म रूह से अलग हो जाता है। जिस्म तो यहीं रहकर मिट्टी और खाक के अंदर बदल जाता है, लेकिन इसकी रूह एक ऐसे मकाम की तरफ सफर करती है जो क्यामत के दिन के हिसाब किताब से पहले तमाम रूहों के ठहरने का आरजी मकाम है, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। नापाक और काफिर रूह एक पर्दे से अपना जहन्नुम में मकाम देकर आग के बिस्तर पर सुला दी जाती है, जहाँ पर वो क्यामत तक मौजूद रहेगी, जबकि नेक रूह जन्नत में अपना मकाम देकर मखमल के बिस्तर पर आराम से सोकर क्यामत का इंतजार करती है। इंसान जो भी इल्म हासिल करता है वो इसके माजी के तजर्बात या वाक़ियात का निचोड़ होता है, मगर आलम बरज़ख़ और आखरत का वजूद कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें किसी भी शख्स ने अगर एक्सपीरियंस किया भी है तो वो इसे बताने के लिए दुनिया में वापस नहीं आया। इस्लामी रिवायात से हमें पता चलता है कि जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो वह इनके जूतों की आवाज़ भी सुनता है जो कि इसको दफना कर जा रहे हैं। अगर वह नेक रूह है तो जूँ ही मालिकुल मौत रूह कब्ज करके अपने हाथों में इसकी रूह को लेते हैं तो पलक झपकने से पहले मैयत के करीब मौजूद फरिश्ते इनसे इस रूह को ले लेते हैं और अपने साथ लाए हुए कफन के अंदर इसे रख लेते हैं, और इस पाक रूह से रूह ज़मीन पर मौजूद मुश्क की सबसे बेहतरीन खुशबू फूटती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते इस रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं और फरिश्तों की जिस जमात से भी इनका गुजर होता है तो वो कहते हैं कि ये इस कदर पाक रूह किसकी है। इसके जवाब में इस पाक रूह के साथ मौजूद फरिश्ते इसके दुनियावी बेहतरीन से बेहतरीन नाम के साथ और वल्दियत के साथ इसे बुलाते हैं, और ये फरिश्ते इसे लेकर आसमान की तरफ सफर करते हैं तो आसमान का दरवाजा फौरन से इसके लिए खोल दिया जाता है और यूं सातों आसमानों तक इसकी रूह पहुंचती है, जब तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए कि मेरे इस बंदे के नामा अमाल को इलेन में लिख दो, जो कि जन्नत में नेक लोगों के अमाल लिखने की बहुत बड़ी किताब है जिसके पास नेक फरिश्ते हर वक्त हाजिर रहते हैं। इसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस रूह को ज़मीन पर वापस कर दो, इसलिए कि हमारा इनसे वादा है कि हमने इसको इसी ज़मीन से पैदा किया और इसी ज़मीन में इन्हें वापस लौटाएंगे और फिर इसी से दोबारा क़यामत के दिन वापस निकालेंगे, इसलिए इस रूह को इस जिस्म में फरिश्ते वापस छोड़ कर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब काफिर के दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ जाने का वक्त होता है तो इसके पास आसमान से डरावनी शक्ल के और काली शक्ल के फरिश्ते आते हैं, इनके साथ जहन्नुम का टाट होता है, वो मैयत के करीब बैठ जाते हैं, फिर मलकुल मौत आता है और काफिर के सिराने बैठ कर कहता है कि ए नापाक खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ और इसके गज़ब की तरफ चल। यह नापाक रूह डर कर जिसम में इधर उधर छुपने के लिए भागती है, जिसे मलकुल मौत इस तरह से खींचता है जिस तरह से गीले ऊन को या कपास को कांटों पर खींचा जाए। दर्द से इसकी रगें और पट्टे कट कर और तकलीफ से इसकी रूह बाहर निकलती है। आसमान और ज़मीन के दरमियान और आसमान पर मौजूद तमाम फरिश्ते इस पर लानत भेजते हैं। आसमान के सारे दरवाजे इसके लिए बंद कर दिए जाते हैं और तमाम दरवाज़ों पर हाजिर फरिश्ते अपनी तरफ से इस रूह के ऊपर ना चढ़ाने की अल्लाह से दुआ करते हैं, और मलकुल मौत जैसे ही इसकी रूह कब्ज़ करते हैं तो इनके साथ मौजूद फरिश्ते पलक झपकने से पहले इस रूह को इनसे ले लेते हैं और अपने साथ लाए हुए टाट के अंदर इसे लपेटते हैं। इस वक्त रूह ज़मीन पर मौजूद सबसे बदतरीन और बदबूदार इसी की रूह होती है। फिर ये इस रूह को लेकर ऊपर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों के जिस ग्रोह से भी इनका गुजर होता है वो सबसे पहले यही कहते हैं कि इस कदर बुरी रूह किसकी है। इसके जवाब में ये फरिश्ते बदतरीन नाम और इसकी वल्दियत से इसे बुलाते हैं जिससे लोग इसे दुनिया में जानते थे, यहाँ तक कि ये फरिश्ते इस रूह को लेकर पहले आसमान पर पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं लेकिन यह नहीं खुलता। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत की कि इनके लिए ना तो आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे हत्ता के ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। इस वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि मेरे इस बंदे का नामा अमाल जमीन की निचली तय के अंदर मौजूद सजीन के अंदर लिख दो, जहाँ पर जहनमी लोगों के नाम लिखे जाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इस रूह को ज़मीन पर वापस कर दो, क्योंकि मेरा इनसे वादा है कि मैंने इन्हें इसी ज़मीन पर पैदा किया और इसी ज़मीन पर वापस करके इसे क़यामत के रोज़ दोबारा ज़िंदा उठाऊंगा। लिहाजा इसकी रूह ज़मीन पर झटक कर फेंक दी जाती है, जो कि जाकर इसके जिस्म में गिरती है, जिसे बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत की कि जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया तो वो ऐसे है जैसे आसमान से गिरे, फिर इसे परिंदे उचक लें या हवा इसे किसी दूर दराज के मकाम पर फेंक दे, लिहाजा इसकी रूह उसके जिस्म में वापस आ जाती है। फिर दो फरिश्ते मुनकर नकीर आकर इससे कब्र में तीन सवाल करते हैं कि मन रब्बू का, यानी तुम्हारा रब कौन है, माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी को ज़ाहिर करके पूछते हैं कि तुम इनके बारे में क्या कहते हो। अगर इस मैयत ने इन तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो फरिश्ते इससे सवाल करते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तो वो कहता है कि मैंने कुरान मजीद को पढ़ा, इस पर ईमान लाया और इसको अल्लाह ताला की सच्ची किताब माना। तब इसकी कब्र 70 हाथ चारों तरफ से फैला दी जाती है और कब्र में रोशनी कर दी जाती है। ये फरिश्ते आखिरत में इसका जन्नती मकाम दिखाकर इसे कहते हैं कि तुम अब दुल्हन की तरह सो जाओ। जबकि जो काफिर और मुशरिक रूह इन सवालों के सही जवाब ना दे सके तो हैरानी और परेशानी के अंदर वो इधर उधर देख कर कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस वही कहा करता था जो लोग कहते थे, यानी मेरे आस पास के लोग और आबा व अजदाद। तब इस रूह को अपना जानवी मकाम दिखाकर ज़मीन से ये कहा जाता है कि इस पर तंग हो जाओ, और यूँ ज़मीन इस पर इतना तंग हो जाती है कि इसकी पसलियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं, और यूँ क़्यामत तक इसे मुख्तलिफ किस्म का आग का अजाब यूँ ही कब्र में मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचाए। ये दुनिया जो सिर्फ कुछ सालों का इम्तिहान है, अल्लाह ताला ने बस खेल तमाशे के लिए नहीं बनाई बल्कि हमारे इम्तिहान के लिए बनाई है, जहाँ पर इसकी रंगीनियों में खोकर हम अपनी आखिरत और मौत या ज़िंदगी के मकसद को ही भुला बैठे हैं। आज ज़रा ख़ुद से सवाल करें, क्या आप इसी लम्हे मौत के लिए या अल्लाह ताला के हजूर पेश होने के लिए तैयार हैं? दुनिया की कुछ सालों की ज़िंदगी के बदले में हमारे लिए आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी है, मगर आग के बिस्तर पर या फूलों पर, यह फ़ैसला हमने खुद करना है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे बंदे ने मेहनत तो बहुत की है समझाने की, बनाने में वीडियो बनाने में और एक्सप्लेन करने में। जो भी जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है वो इनका अपना मानना है, मतलब इन्होंने जो बनाई है और जो भी बातें बताई है वो इनका अपना मानना है। हमारा आप मत सोच सकते हो कि हमारी अपने हमने देख ली वीडियो तो हमारा भी यही मानना है। हर किसी का अलग 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 मानना होगा, अपनी अपनी सोच है अपनी अपनी, लेकिन इन्होंने जिस वे में समझाई है बात वो बहुत ही अच्छी है। मतलब अगर और ये भी हकीकत है कि 7 पीढ़ी के बाद एक जन्म मिलता है इंसान। हाँ, मतलब 7 जन्म 7 पीढ़ी ये होता है, और ये बहुत सी चीजें हैं ऐसे तो, बट जो भी है बहुत ही अच्छे वे में बता रखा है। अगर इसे कोई मुस्लिम देख रहा है मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल हकीकत मानेगा इसे और असल मानेगा, बट कुछ लोग नहीं भी मानेंगे क्योंकि सिंपल सी बात है यार, हर किसी की अपनी सोच है, अपनी अपने मानना है। तो किसी ने भी नहीं देखा ना, मतलब रियल फैक्ट तो जैसे कि कहते हैं कि मरने के बाद का तो किसी को भी नहीं पता, वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा। और ये भी सच है कि मरना जरूर है भाई, हर जीवित चीज को मरना है, ये तो लिख जाता है पैदा होने से पहले ही है कि ये पैदा हो गए तो अब ये मरेंगे भी कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम, तो ये भी हकीकत बात है। तो जो भी हकीकत है वो हकीकत है, बाकी हम ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए और ज़्यादा नॉलेजेबल ना बनते हुए तो इनसे नॉलेज ली हमने। वीडियो आपको कैसी लगी ये बता दो हमें, और प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब करना, शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपनी राय देना हमें कि आपको वीडियो में क्या क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। बाकी आगे की वीडियो के लिए भी कमेंट कर देना कि हम आगे कौन सी वीडियो पे रिएक्शन करें, प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि कौन सी वीडियो पे रिएक्शन करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।